बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ होम्योपैथिक और हर्बोलॉजी में। आज मैं आपको नेचर से एक बहुत ही अमेजिंग जूस के बारे में बताऊंगी, जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग बोलेंगे, अरे डॉक्टर बिल्कीस, सोल के लिए, रूह के लिए कैसे बेहतरीन हो सकते, क्योंकि रूह की ग़िज़ा तो इबादत है। बिल्कुल इबादत है, लेकिन जब हमारा दिल और हमारे दिमाग में टॉक्सिक बढ़ जाते हैं तो वो उसका बोझ हमारे रूह को जो है ना सहना पड़ता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन, कॉस्ट इफेक्टिव, भारत में, बांग्लादेश में तो आराम से मिल जाता है, पाकिस्तान में कुछ सीजन्स में मिल जाता है, लेकिन हालांकि हर सीजन में आपको सब्जी मंडी से मिल सकता है। तो अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो ये जो है ना सब्जी वाला इसको हर जगह सेल करना शुरू कर देगा। मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा की। अब सफेद, हम देखिए हमारे पास पीला पेठा तो हर जगह रखा हुआ होता है, लेकिन ये सफेद पेठा है, ये कद्दू नहीं है, ये मारो कद्दू भी नहीं है, ये पेठा है, सफेद पेठा, जिसको इंग्लिश में एश क्राउट कहा जाता है। और इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि हद नहीं। और ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि मेरी एक बहन हर तकरीबन मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट्स में लिख रही होती कि प्लीज आप आंतों के लिए कुछ बताएं, ये आपकी आंतों की इस तरह सफाई करता है जैसे हम जो है अपने जो तेजाब डालते हैं ना उसमें कमोड वगैरह में, उसके बाद वो कैसे क्लेंज हो जाता है, इसी तरह आंतों की तमाम कसाफतों को, तमाम टॉक्सिक को निकालने में मदद करता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट। मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रेन से, ये ब्रेन बूस्टर है। वो लोग जो नींद ना आने की जिनको शिकायत है, वो लोग जो है ना इल्यूजन्स होते हैं जिनको, हर वक्त वो नेगेटिविटी सोचते रहते हैं, बेस्टेस्ट जूस है उनके लिए। उसके अलावा ये जूस आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा आपके माउथ अल्सर्स के लिए जूस बहुत अच्छा है, उसके अलावा ये आपके गर्ट के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके पेनक्रियास के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, हाई बीपी पेशेंट के लिए, ओबेसिटी, हर तरकीब कर करके थक गए हैं, ये जूस पीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ नहीं मिलाना। अच्छा, जब मैंने सारी चीजें बता दी, एक मेन चीज रह गई, आपके थायराइड के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको हाइपर या हाइपर थायराइड होता है, ये जूस दोनों कंज्यूम कर सकते हैं और उसकी वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये अगर आपके लेग्स क्रैम्स पेन होते हैं उनके लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कितनी चीजों के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन देखिए हर चीज मुकम्मल नहीं होती, मुकम्मल जात सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम की है। ये किन के लिए अच्छा नहीं है, ये अस्थमा जिनको हो उनके लिए अच्छा नहीं है, साइनोसाइटिस हो उनके लिए अच्छा नहीं है, जिनको एस्थमिक पेशेंट और साइनस वाले पेशेंट, और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जिनकी हर वक्त नजला गिरता रहता है उनके लिए अच्छा नहीं, उनके अलावा तमाम बीमारियों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तरह तरह की दवाइयां खा के हमारे किडनी का हशर हो जाता है, और गॉलस्टोन और किडनी स्टोन दोनों के लिए बेहतरीन है। सिंगल रेमेडी है जो गॉलस्टोन को भी डिसॉल्व करने में आपकी मदद करती है, इसी तरह आपके किडनी स्टोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके गुर्दे को नई जिंदगी देने में आपकी मदद करती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है, मैं बात कर रही हूं सफेद पेठे की, मैं हरगिज बात नहीं कर रही हूं जो पीला वाला पेठा होता है ना पंपकिन सी, पंपकिन की मैं बात नहीं कर रही, ना ये कद्दू है, ना ये मारो कद्दू है,
ना ये पीला वाला पेठा है, ये सफेद पेठा है, जिस तरह की आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये है। और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप इसको काटें, इसका छिलका और इसके बीच जो है ये थोड़े से कड़वे होते हैं, इनको आप हटा लें। हटाने के बाद इसको पहले आप थोड़ा सा ना कद्दूकश करें, कद्दूकश करके आप इसको निचोड़ लें, मलमल के कपड़े से निचोड़ लें, बेहतरीन है, आपका जूस तैयार हो गया। नहीं तो आप इसके छोटे छोटे पीस करके ग्राइंडर में पीस लीजिए और इसको छान लीजिए, आप जूस तैयार है। इसमें आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाना है। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, ये टेस्टलेस जूस होता है, इसका इसका देखा जाए तो कोई टेस्ट नहीं होता, आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और जो आपका फोग बच गया है ना, जैसे आपने मलमल में छान लिया, फोग जो है उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको आप अपनी स्किन पे लगाएं, बेहतरीन है। उसमें ही आप शिका का ये आंवला डाल के रख लीजिए थोड़े से पानी के साथ, फिर इसको छान के बालों में लगाएं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखा, पीने के लिए सिंगल रेमेडी, लगाने के लिए, स्किन के लिए तो वही आपको मैंने बताया, आप वो लगा सकते हैं अच्छी तरीके से, फिर भी अगर इसमें कुछ मिक्स करना चाहे तो आप ग्लिसरीन इसमें मिक्स कर सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है ना, ये उनके लिए भी जूस बहुत अच्छा है। 3 महीने पीजिए। और पीना कब है? कंज्यूम करने का सही तरीका सुबह खाली पेट है, 1 ग्लास जूस पीजिए और 1 घंटे तक नाश्ता नहीं कीजिए, और आप अल्लाह की कुदरत देखिए, आपको बहुत सारे अमराज से बचाने में ये जूस आपकी मदद करेगा। जिनको हाथों पाँव से ना एकदम सेक निकलती, गर्मी का एहसास होता है, बॉडी में हमेशा हीट अप रहते हैं, मेनोपोज में खवातीन के साथ ये होता है कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसके लिए भी बेहतरीन है। मैंने आपको कहा था ना, इसकी खामी सिर्फ एस्थमा साइनोसाइटिस ओपोज नेजल ड्रिपिंग पे, यानी कि बलगम का हलक में गिरना, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अलावा तमाम लोग इसको कंज्यूम करके इसका फायदा उठा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये जो वीडियो है ये आपकी जिंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी, और आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। बहुत शुक्रिया आप जो है मेरे चैनल पर आते हैं और वीडियोस देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह ने गिबान, अल्लाह हाफिज।